गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हमने आरंभ किए थे शब्द रूप। तो शब्द रूप में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किए थे पहले वाली क्लास में, तो आज हम करेंगे नपुंसक लिंग। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं और तीन वचन होते हैं। वचन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग को आप समझते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध हो, और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो। और नपुंसक लिंग कौन से होते हैं? जिससे न तो पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो अब नपुंसक लिंग में देखिए, हम करते हैं पहले पुस्तक। पुस्तक करते हैं। पुस्तक के वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखिए, और विभक्ति है इसकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो पुस्तक का प्रथमा में देखिए क्या बनेगा। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। द्वितीया में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। नपुंसकलिंग में अकारांत है ये, अकारांत, पुस्तक अकारांत, नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम होती है तीनों वचनों में। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तीनों वचनों में सेम होती है। जैसे अभी आपने सुना भी है, देखा भी है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा में भी वही है और द्वितीय में भी वही है। तृतीय में देखिए पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकैः। चतुर्थी में पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। पंचमी में पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। षष्ठी में पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम्। सप्तमी में पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। सप्तमी संबोधन में हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। जो प्रथमा में था वही है, बस इसमें संबोधित किया गया है हे और विस्मयादि बोधक चिन्ह से। इसमें प्रथमा एक वचन में पुस्तकम था, इसमें खाली पुस्तक है। पुस्तक, हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। तो काफी इजी है ये, आपको मैंने पहले भी बताया था कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन एक जैसा होता है, सेम होता है। षष्ठी और सप्तमी भी सेम होती है, ऐसे ही चतुर्थी और पंचमी भी बहुवचन में सेम होती है। ठीक है, द्विवचन में चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी सेम होती है, और द्विवचन में ही षष्ठी और सप्तमी भी सेम होती है। तो आपको याद करना इसे इस प्रकार से, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकैः। पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम्। पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। ठीक है, अब आगे देखिए। फल शब्द रूप है अकारांत नपुंसक लिंग में, अभ्यास के लिए दिया गया है। बीच में इसमें फिलिंदी ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, तो फिलिंदी ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग आपको इसको फील करना है। तो ये फील किया हुआ है, देखिए इसमें कैसे बनेगा। तीन वचन है इसमें भी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्तियां पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कि विभक्तियां जो होती हैं हिंदी में, हम इनको कारक बोलते हैं। ठीक है, कारक चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति के अंदर कर्ता कारक का चिन्ह लगता है, और द्वितीय विभक्ति के अंदर कर्म कारक का चिन्ह लगता है, तृतीय विभक्ति के अंदर करण कारक का चिन्ह लगता है, और चतुर्थी विभक्ति के अंदर संप्रदान कारक का चिन्ह लगता है, और पंचमी विभक्ति के अंदर अपादान कारक का चिन्ह लगता है, षष्ठी विभक्ति के अंदर संबंध कारक का चिन्ह लगता है, सप्तमी के अंदर अधिकरण कारक का। ठीक है, तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
तो इसको देखिए, फल शब्द रूप किस प्रकार से बनेगा, फलम फले फलानी। जैसे दो डैश दे दिए हैं, द्विवचन और बहुवचन, फलम फले फलानी। अब द्वितीय में देखिए, एक वचन फिलिंग ब्लैंक्स के लिए दे दिया गया है, इसमें फिर वही आएगा फलम, आगे फले फलानी। जैसे मैंने आपको बताया था पुस्तक वाले में कि प्रथमा और द्वितीया सेम होती है, तो ये फल शब्द रूपी नपुंसकलिंग है, तो ये दोनों में सेम आएगा, प्रथमा और द्वितीया के अंदर। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तृतीया के अंदर बनेगा इसका फलेन फलाभ्याम फलहि। इसका प्रथमा और द्वितीया तो होते हैं अलग, तृतीया से लेकर आगे सप्तमी तक ये होते हैं पुल्लिंग की तरह, जो पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं, जो तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग शब्द रूप में जैसे चलते हैं रूप, उसी प्रकार वही वैसे ही नपुंसकलिंग के भी तृतीया से सप्तमी तक चलेंगे। ठीक है, तो ये तृतीया में जैसे आ गया फलेन फलाभ्याम फलहि, ये पुल्लिंग के समान होता है, फलाए फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी में फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। षष्ठी में फलस्य फलाभ्याम फलानाम। सप्तमी में फले फलियो फलेषु। संबोधन में हे फल हे फले हे फलानि। तो इसमें देखिए, मैं एक बार कारक चिन्ह बता देती हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने वैसे बताए थे, लेकिन दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ मैं। प्रथमा विभक्ति के अंदर फलम है, तो इसमें चिन्ह लगेगा ने, फल ने, एक फल ने। फले द्विवचन में दो फलों ने, बहुवचन में अनेक फलों ने। द्वितीय के अंदर फलम है, इसका एक फल को, दो फलों को, अनेक फलों को। तृतीया में एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से। चतुर्थी में एक फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए। पंचमी में एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से। यहाँ अलग होने के लिए से चिन्ह का प्रयोग है। षष्ठी में एक फल के, दो फलों के, अनेक फलों के। सप्तमी में एक फल में, दो फलों में, अनेक फलों में। ठीक है, अब नीचे कुछ समान शब्द रूप दे रखे हैं, फल और पुस्तक की तरह ही बनने वाले, ये नपुंसकलिंग में है। देखिए, पुष्प पत्र धन चक्र मित्र उद्यान द्वार आदि, तो इनके इसी तरह से बनेंगे। अब पत्र का ही देख लीजिए, पत्र का हम बनाते हैं फल की तरह बनेगा सेम, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेन पत्राभ्याम पत्रे, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्राभ्याम पत्राणाम, पत्रे पत्रियो पत्रेषु। हे पत्रे हे पत्रे हे पत्राणि, बनाना इसी की तरह, तो सारे इसी तरह से बनेंगे, ये मित्र का उद्यान का जैसे भी है। अब नीचे देखिए, अकारांत नपुंसकलिंग के रूप प्रथमा द्वितीया और संबोधन के अतिरिक्त शेष तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक अकारांत पुल्लिंग के समान बनते हैं। जो अभी मैंने बताया था आपको कि जो नपुंसकलिंग का शब्द रूप है वो अकारांत पुल्लिंग के समान चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, तृतीया से सप्तमी तक। प्रथमा द्वितीय और संबोधन अलग हो जाएंगे, बाकी तृतीया से सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग के समान ये रूप चलेगा। ठीक है, आगे देखिए, कवि इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत में भी पुल्लिंग होता है, कभी सोचो इकारांत में स्त्रीलिंग होता है केवल, नहीं, पुल्लिंग भी होता है। तो देखिए, वचन तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति सात तक है, आठवां संबोधन है। तो देखिए, कवि कवि कव्यः, प्रथमा के अंदर कवि कवि कव्यः,
द्वितीय के अंदर कविम कवी कवीन, तृतीय के अंदर कविना कविभ्याम कविभि, चतुर्थी के अंदर कवये कविभ्याम कविभ्य, पंचमी के अंदर कवे कविभ्याम कविभ्य, षष्ठी के अंदर कवे कव्यो कवीनाम, सप्तमी में कवो कव्यो कविषु, संबोधनम में हे कवे हे कवि हे कव्यः। अब दोबारा देखिए इसको, कवि कवि कव्यः, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभि, कविये कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कव्यः कविनाम, कवौ कव्यौ कविषु, हे कवे हे कवि हे कव्यः। ठीक है, अब इसी के समान शब्द और भी हैं, जैसे मुनि ऋषि हरि कपि अग्नि नृपति भूपति विधि रश्मि गिरि रवि असि आदि, ये कवि के समान इनके रूप चलेंगे। जैसे मुनि का देखिए, मुनि मुनि मुनियः, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुन्यो मुनीनाम, मुनौ मुन्यो मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनयः। हुआ ना कवि की तरह, इसी प्रकार से ये बाकी भी बनेंगे। तो आपको जो ये समान शब्द दे रखे हैं, इसमें चाहे एकारांत पुल्लिंग में है या अकारांत नपुंसकलिंग में है, सारे आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट देखिए, साधु उकारांत पुल्लिंग, साधु उकारांत पुल्लिंग, तीन वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन और व्यक्ति प्रथमा से सप्तमी और संबोधन। तो देखिए साधु उकारांत में कैसे शब्द रूप बनेगा, साधु साधु साधवः, साधु द्वितीय में साधु साधु साधून, तृतीय में साधुना साधुभ्याम साधुभिः, चतुर्थी में साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, पंचमी में साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, षष्ठी में साधोः साधुवो साधुनाम, सप्तमी में साधौ साधोः साधुषु, संबोधन में हे साधो हे साधु हे साधवः। दोबारा देखिए, साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधवः साधुनाम, साधो साधवः साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। अब इसके समान शब्द हैं, गुरु भानु वायु शत्रु रिपु शिशु आदि। जैसे ऊपर एकारांत पुल्लिंग का आए थे ना समान शब्द, और मैंने आपको एक बोल के दिखाया था मुनि वाला, इसी प्रकार से ये है। अब इसमें भानु का देख लीजिए, भानु का मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ, साधु की तरह ही होएगा ये, यूं का यूं बोला जाएगा, इसी की तरह लिखा जाएगा। तो देखिए, भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानवः भानूनाम, भानोः भानवः भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानवः। भानु की तरह जो भानु शब्द रूप था, साधु की तरह ही बनाना सेम, इसी तरह से ये वाक्य बनेंगे। रिपु का देख लीजिए, रिपु 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 रिपुः, रिपुं रिपु रिपून, रिपुना रिपुभ्याम रिपुभिः,
रिपुवे रिपुभ्याम रिपुभ्यः, रिपोः रिपुभ्याम रिपुभ्यः, रिपोः रिपुवोः रिपुनाम, रिपोः रिपुवोः रिपुषु। हे रिपो, हे रिपु, हे रिपुवः। देख लो सेम साधु की तरह बना, मैंने दो बोल करके आपको दिखा दिए हैं, बाकी भी आपको इन्हीं की तरह बनाने की कोशिश करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, याद करने हैं। जितने भी आज ये शब्द रूप हुए हैं, चार मैंने करवाए हैं और इन्हीं के समान कुछ और हैं, तो आपने वे बनाने हैं और ये याद करने हैं सारे। और संस्कृत नोटबुक्स जो आपकी लगी हुई है, संस्कृत प्रैक्टिस नोटबुक, उसमें आपको लर्न करके लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और जो समान शब्द रूप हैं, इनको भी आपने बना करके लिखने की प्रैक्टिस करनी है और इनको सबको याद करना है।